भी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच। तो देखिए दोस्तों, ये 7 है और आईफोन 7 है जो 21 पे जाकर रुक रहा है, और ये डेड फोन है। ये डीलर से आया है हमारे जो ट्रेनर है सैयद सर को। तो अब क्योंकि इसको जो फॉल्ट फाइंडिंग होती है वो सैयद सर बहुत अच्छे से उसको जानते हैं, तो ये इसके सीपीयू पे काम करेंगे। ये जो वीडियो है इसके सीपीयू पे वीडियो है, इसमें सैयद सर आपको जो लाइव सीपीयू देखिए निकाल कर उसको रिवॉल्व करके लगा कर और देखेंगे कि किस तरह से ये सेट चालू होता है। ये पटके हुए सेट था, मतलब ये ड्रॉप डाउन केस था जो एक डीलर के पास आया था, और जो ठीक तरीके से वो डीलर उस पर काम नहीं कर पाया, क्योंकि जनरली जो जितने भी दुकान वाले जो आईफोन सीख कर कहीं से भी आते हैं तो ज़्यादातर एक बार ही एक बार या आधे बार वो अपने सीपीयू पे काम कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास में समय नहीं रहता। 10-15 दिन का तो पूरी क्लास रहती है जिसमें उनको थ्योरी भी समझानी है, उनको स्कीमेटिक भी समझाना है, उनको छोटी छोटी आईसीयू पे भी काम करवाने हैं, बड़ी आईसीयू पे भी काम करवाने हैं, टच आईडी पे भी काम करवाना है, सब कुछ एक ही 15 दिन में करवाना है। तो सीखेंगे कैसे। सो वही लोग कच्चा अधूरा काम करने के बाद में बड़े डीलर लोग को अपने सेट देते हैं यहाँ पर, तो जनरली इसलिए वो ये सेट आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ये जो ब्लैक पेस्टेड जो ग्लू है इसको रिमूव कर रहे हैं, और ये A10 इसमें सीपीयू लगा हुआ है, तो इसको सेफली तरीके से इसको निकालना है। सबसे बहुत बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे कि नोजल जो हीट है वो उसके ऊपर रखी हुई है कि कितना हीट रखना है, ज़्यादा हीट रखना है, कम रखना है, कहाँ नोजल रखना है, कौन सा हमको टूल्स यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादातर ये काम करने पे भी नीचे जो पावर आईसी होती है वो पावर आईसी के बॉल छोड़ देते हैं या ज़्यादातर शॉर्ट हो जाता है मोबाइल। नॉर्मल अगर ये कोई से भी बोर्ड में आप चालू बोर्ड में भी करोगे सो ये डेड हो जाता है लोगों का, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। पर सही तरीके से प्रैक्टिस भी, गलत तरीके से करोगे तो वो ज़िंदगी भर ही करते रह जाओगे। तो ये ब्लैक पेस्टेड तो आप जैसे कि नोटिस कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं और जो चलेंगे आईफोन की, वो 15 फरवरी से चालू होने वाली है, आप आइए। और जो फ़ीस है सबसे कम फीस है, हमने इंडिया में सबसे कम फीस हमारी ही है अगर एक बड़े लेवल पर बात करें, क्योंकि कोई भी 45,000 रुपये में आपको सीपीयू लेवल का कोर्स नहीं दे रहा। देखिए दोस्तों, मैंने सीपीयू और जो हार्डवेयर जो बेसिक टू एडवांस है जिसमें छोटी और स्कीमेटिक की सारी चीज़ जो मैंने अलग अलग क्यों रखा है, रीज़न है कि 15 दिनों में आप सिर्फ अगर सीपीयू का काम सीखते हैं, 15 दिनों में अगर आप सीपीयू का काम सीखेंगे तो आप खुद सोचिए कि आप कितनी बार अपने फ़ोन पर और एक कॉन्फिडेंस के साथ सीपीयू लगा लेंगे। तभी हम 3 out of 5 की गारंटी देते हैं स्टूडेंट को कि हम करवा के भेजेंगे। और उसमें सीपीयू जो लेवल पे काम करना चाहता है हम उसी को लेंगे जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम कर रहा होगा, जो सीपीयू पे काम नहीं कर पाएगा। तो और जो बेसिक टू एडवांस है, जो बिल्कुल नया है, जो एंड्रॉयड पे काम कर रहा है, जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, जिसको एक मोबाइल क्षेत्र में आना है और वो चाहता है कि मैं आईफोन में आऊँ, तो वो आइए। हम बिल्कुल उसको जितने भी स्मॉल कॉम्पोनेंट हैं उसकी पहचान, छोटी छोटी आईसीओ के बारे में, बड़ी आईसीओ के बारे में सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं अब यहाँ पे जो आईसीओ को उठाया जा रहा है किस तरीके से, तो पूरा लाइव यहाँ पर हमारे सैयद सर के द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यही चीज़ बता दूँ कि इंडिया में ऐसा बहुत कम इंस्टीट्यूट होते हैं या बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे लाइव मोबाइल और लाइव कंसेप्ट को यहाँ दिखाते हैं। सो वही चीज़ हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक कुछ मोबाइल आपको यहाँ पर कुछ फॉल्ट आपको दिखाएं, ताकि आपको विश्वास हो कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। तो यहाँ ये पूरी ब्लैक पेस्टेड आईसी है, और इस फ़ोन का फॉल्ट था कि ये ड्रॉप डाउन केस था, और जब इसकी रीडिंग हमने नोट की, क्योंकि मेन होता है डीसी मशीन से जो एम्पियर होते हैं कि कितना बूट कर रहा है मोबाइल, तो ये 21 पे आके ये रुक रहा था, और इस पर सीपीयू रिवॉल्व करना है तो ये सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हैं सैयद सर। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बड़ी सफाई से काम करना है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती पैड जो होते हैं वो निकाल देते हैं, और यही चीज़ वो आईसीओ पे भी करते हैं। जो उसके जो पेस्ट होता है वो सही तरीके से काट नहीं पाते पूरा, ज़्यादा जो या तो 11 नंबर के जो ब्लेड से काटते हैं या किसी से भी ब्लेड से जो यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा पैड को उखाड़ देते हैं या फिर वहाँ पर स्क्रैचिंग कर देते हैं बहुत ज़बरदस्त, कंपोनेंट भी निकल जाता है। और यहाँ पे भी हीट का इस्तेमाल करते हैं, नीचे भी हीट होती है। सो जो प्री हीटर यूज़ करते हैं 8-8 10,000 के प्री हीटर यूज़ करते हैं,
और आप देखिएगा यहाँ पे जो हमारे सैयद सर, उन्होंने बिल्कुल प्री हीटर का यूज़ नहीं किया हुआ है। नीचे जो नॉर्मल उनकी जो टेबल है वो है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, जो हमारा कंसेप्ट है आईफोन का बहुत ही क्लियर और बहुत ही कमाल का है और बहुत ही कम फीस है। अगर कोई ये चाहता है कि दोनों कोर्स करे कि सर मुझे बेसिक टू एडवांस भी सीखना है और सीपीयू भी सीखना है, तो भी हमारी फ़ीस सबसे कम है 60,000 रुपये में, और यहाँ हम सबसे ज़्यादा दिन दे रहे हैं पूरे इंडिया में। आप देखिएगा कि 30 दिन आईफोन में कोई भी नहीं दे रहा है, और हम तो आपको एक रिटर्न पॉलिसी के साथ दे रहे हैं कि अगर आप 30 दिन में नहीं सीखे तो आप वापस आइए। यहाँ भी हमने कंसेप्ट ऐसा बनाया है कि एक बार में 30 दिन में हम सब कुछ नहीं देंगे। पहले 15 दिन आपको बेसिक टू एडवांस पूरा, जो आपका छोटी छोटी टच आईसी हो गई, आपकी स्क्रैचिंग हो गया, स्क्रू होल, ये सारी चीज़ें हम आपको स्कीमेटिक रूप से प्रॉपर तरीके से U2IC कैसे हम डिटेक्ट करें, ये सारी चीज़ हम इसमें बताएंगे। दूसरा जब आप, और उसके बाद फिर आप दूसरे 15 दिन बाद फिर हम हमें ज्वाइन करेंगे, उसके आधे एक महीने के प्रैक्टिस के बाद, और फिर आप उसको CPU लेवल पे करेंगे। देखिए इसमें आप, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये होगा कि सर हम 2 बार नहीं आ सकते, हम 3 बार नहीं आ सकते। आप ये सोचिए कि आप मुझे सिर्फ 2 बार अपना टाइम दीजिए और आपको मैं परफेक्ट करके भेजूंगा, तीसरी बार आपको कहीं किसी के यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों आईफोन में जो कमाल की बात है, जो स्वैपिंग है या जो जो इसके दाम है वो काफ़ी हाई रेट है, और बहुत सारे जैसे गांव हो गए उसमें तो ये आता नहीं है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें आते हैं, पर जो नॉर्मल छोटे छोटे शहर होते हैं उसमें से जो आईफोन आते हैं वो बड़े शहरों पर ही जाते हैं डीलर लोगों के पास, क्योंकि CPU पे कोई काम कर नहीं पाता है। अच्छा सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप CPU पे काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें सैयद सर CPU को रिवॉल्व कर रहे हैं, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप CPU पे काम करते हैं, तो आप डेड रिस्क को छोड़कर CPU पे काम करेंगे। मतलब एक होता है कस्टमर, जो एक होता है दुकान वाला जो कस्टमर को बोल देता है कि भैया डेड रिस्क हो सकता है, डेड हो सकता है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। दूसरा कि आप बिल्कुल उस पर जैसे हाफ सॉल्डिंग निकालनी है, अब आपको समझ में नहीं आ रही, आप किसी भी IC को उठा दिया या आपने गलती से उसको डेड भी कर दिया, तो आपको पता है कि हाँ चलो मैं इसको स्वैपिंग करके इस बोर्ड को चालू करके दूसरा तो दे ही दूंगा, और इसको चालू भी कर दूंगा और उसका डाटा भी बचा दूंगा। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि CPU पे काम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट फॉल्ट फाइंडिंग उससे भी ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 21 पे आके रुक रहा था, अभी कोई टेक्नीशियन उसका क्या पता इसके हार्ड डिस्क निकाल के इसको चेक करे, कोई टेक्नीशियन की पावर IC निकालता, कोई U2 निकालता, कोई टिग्रेस निकालता, तो अलग अलग एक आईसियाँ होती हैं इसमें, सो कोई ऑडियो IC निकालता। यहाँ पर 1 टाइम CPU A10 को रिबॉल किया जा रहा है, आप जैसे कि नोटिस कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे रोज वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ अभी इस चैनल पे, और उसके साथ हमारे प्रैक्टिकल लैब में भी हम आपको ऐसे ही वीडियो देंगे, और वो अपने स्टूडेंट के देंगे, जो और कोई इंस्टीट्यूट सोच भी नहीं सकता वो हम आपको प्रैक्टिकली कर, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री रही है कि हमने पहले भी EMMC में, आप देखेंगे हमारे सारे जितने भी EMMC के वीडियो, इसमें हम हर हर बार कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल स्टूडेंट से करवाते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं एक बॉल इसमें से छूट गया है, वो बॉल किस तरह से सैयद सर यहाँ पे बनाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बात है। सो देख रहे हैं, सो आप देखिएगा उस बॉल को किस तरह से उन्होंने एडजस्ट करके वहीं पे लगा के थोड़ी सी हीट देंगे और वो बॉल वापस वापस सेट हो जाए। सो ये 1 टाइम CPU रिबॉल, और उसके साथ फिल्टर आईसियाँ भी इसकी जो लगी हुई हैं, जनरली लोगों की फिल्टर आईसियाँ भी निकल जाती हैं, तो अब इसको लगाना है, अब इसको माउंट करना है, और ये जो केस था ड्रॉप डाउन केस था ये 21 पर आकर रीडिंग रुक रही थी इसकी।
अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 12 और 5 बजे के बीच में ही कॉल करें और दोस्तों बुकिंग आप कर सकते हैं। हमारी जो सीट है ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा हमारी फुल हो चुकी है आईफोन में। A10 CPU, हम आपको A8 का भी लाइव CPU बहुत जल्दी देने वाले हैं, जिसमें हम रैम का पूरा रिवॉल्व करके और उसके CPU को रिवॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किससे सीख रहे हैं, वो ट्रेनर किस लेवल पे है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी स्टूडेंट के लिए। A10 iPhone 7 21 पर रुक रहा था, ड्रॉप डाउन केस कोई भी दुकान वाला बना नहीं पा रहा था, क्योंकि CPU रिवॉल्व करना एक रिस्क होता है, पैड निकल जाते हैं, कस्टमर का मोबाइल ख़राब हो सकता है, और CPU ख़राब कर दिया तो डेड हो जाता है एक तरह से फ़ोन, आप कस्टमर का डाटा कभी नहीं दे सकते। जो भी चीज़ है मेन CPU है दोस्तों, CPU ऑलमोस्ट ख़राब नहीं होना चाहिए कभी भी। स्वैपिंग में जो हम स्वैप करते हैं उसमें भी हम CPU को ही स्वैप करते हैं एक डोनर बोर्ड पे। हम आपको यहाँ पे CNC मशीन से कैसे ICU को ड्रिल करके एरर 9 जो सारी चीज़ें हैं वो भी आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताएंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे CPU अपनी जगह ले चुका है। तो ये जो इसके बगल में जो कॉइल्स हैं वो बकलाइन कॉइल्स होती हैं, और जनरली मैं आपको बता दूँ बकलाइन कॉइल अगर CPU निकाल दो तो इस पर जो रेजिस्टेंस होता है वो 400 to 600 आता है, पर अगर ये CPU लगा दो तो ये बकलाइन आपको जो लाइन होती है उस पर जो रेजिस्टेंस आता है वो 40 to 70 होता है। जनरली उसके साथ लगे हुए सारे कैपेसिटर फिल्टर होते हैं, जो फिल्ट्रेशन के लिए रेफरेंस कैपेसिटर लगे होते हैं और वो जनरली शॉर्ट ही दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए बूटिंग जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं तो देखिए नॉर्मल बूट कर रहा है अभी, ये 60 to 150 पे जाना चाहिए, ये देखिए 150 पे चला गया है और यहाँ पे आपको ये लोगो आता हुआ दिखाई दिया होगा। तो ये अभी फ्लैशिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे CPU को रिवॉल्व किया हुआ है इन्होंने, और ये पहले से ये ड्रॉप डाउन केस था तो ये जो एरर आ रहा है ये एक फ्लैशिंग का एरर है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि सारे बॉल बहुत परफेक्टली तरीके से लगे हुए हैं। अब इस फोन को 3U टूल से फ्लैश करेंगे सैयद सर, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे सर को। अब देखिए यहाँ पर उसी मोड पे उन्होंने कनेक्ट किया है तो वो कनेक्ट हुआ है यहाँ पर रिकवरी मोड पे, और इसको फ्लैश करेंगे तो फ्लैशिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ पे हम हाइड कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए अब फ्लैश हो जाने के बाद आपको अब देखिए रैम से ऊपर जा चुका है ये CPU, इसका ऑलमोस्ट सही है। अब फ्लैश हो जाने के बाद ये परफेक्टली तरीके से ऑन होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर ट्रेनिंग करना है आईफोन की, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप चाहते हैं कि एप्पल में उतरें, बिल्कुल मौका दीजिए। 30 दिनों में आपको परफेक्ट बना के भेजेंगे, 3 out of 5 की गारंटी है और बहुत कम फीस है दोस्तों, और बहुत पुराना नाम है एशिया टेलीकॉम का, 1 साल से EMC का हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। ऑलमोस्ट अभी तो लोगों ने EMC चालू ही की है, हमारा 1 साल से रिजल्ट है। तो आप देख रहे होंगे ये सेट
पूरी तरीके से फ्लैश हो चुका है। और ये जो इसका एक्टिवेशन मोड भी देखेंगे, ये आई क्लाउड आईडी मांगनी चाहिए एक्टिवेशन, देखिए तो ये एक्टिवेट भी है, क्योंकि एक्टिवेट एरर आएगा तो वो भी एक फॉल्ट होता है, एक्टिवेशन एरर, उसका भी फॉल्ट किस तरह से निकालना है अगर आपको जानना है तो आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। देखिएगा यहाँ पर पूरी तरीके से क्लीन है, देखिए एक्टिवेशन भी यस दिखाई दे रहा है। सो फोन की स्क्रीन आ चुकी है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फातिमा एशिया टेलीकॉम से और मेरे साथ है देव सर और फिरोज सर। तो जो हमारी 15 फरवरी से न्यू आईफोन की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं देव सर और फिरोज सर से करूँगी। तो ये बताइए, जो हमारी न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है आईफोन में, तो इसमें क्या खास है? मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं और जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप पहले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है बहुत सारी चीज़ें। क्या खास है, बहुत एक अच्छा सवाल है। तो ये खास हम दे रहे हैं कि जो फीस स्ट्रक्चर है और जो सिलेबस है हमारा और जो टाइमिंग है, वो सबसे खास है जो हमने इस तरीके से इंडिया में जो हमने रखा है, वो आज तक किसी ने नहीं रखा है। सो ये हम आपको अपने अगले सवाल में बताएंगे। मैडम सर, फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट की इंक्वायरी आ रही है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाना पड़ता है, ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो क्या है सर? ये जो हमारे जो अभी आईफोन का कोर्स शुरू होने वाला है, तो इसके बारे में स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि आपका फीस कितना है, आपका कोर्स का सिलेबस में, कोर्स में क्या सिलेबस आप देने वाले हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका बैक सपोर्ट क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट के आए हैं, तो हम उसी के रिलेटेड आज ये वीडियो बना रहे हैं और आपके सारे सवाल के यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे कि मैडम ने पूछा फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आपको क्वारीज आती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईफोन में हमारी जो फीस है सबसे कम है, एक बड़े लेवल पे अगर हम बात करें, जितना भी इंडिया में अदर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो आपको जो वहां पे फीस स्ट्रक्चर मिलेगा उससे बहुत कम है। हमने अपने कोर्स को दो भागों में डिवाइड किया है, एक कोर्स वन जिसमें हम बेसिक टू एडवांस हम बताते हैं, और एक कोर्स जिसमें हम सीपीयू लेवल का हम उसमें बताएंगे, एक और हम बताएंगे जिसमें दोनों कोर्सों को अगर किसी स्टूडेंट को करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा कोर्स वन है बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम सारा आईफोन के स्कीमेटिक से लेकर उसकी छोटी आईसी से लेकर सारी चीज जो न्यू है, जो नए लोग हैं, वो उसमें हम जो बताएंगे वो 45,000 है, जो 15 दिन का हमारा ड्यूरेशन होगा उसके पर भी मैं आपको बात करूंगा। और जो हमारा सीपीयू लेवल पे है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फिर उसको बताइए किस तरह का सीपीयू लेवल का, अगर कोई डायरेक्ट क्लास करना चाहे। जी सर, ये सीपी लेवल का कोर्स उस स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी 4-5 साल से काम कर रहा है और जो आके अटक जाता है कहाँ पर, जहाँ पर आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है या रैम को निकाल के लगाना है या स्वाइपिंग करना है, तो आईसी लेवल का काम जो नहीं कर पा रहे, उनके लिए हमारा ये कोर्स है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, 7 के ऊपर, जैसे कि आपको पता 8 के ऊपर, 7-8 में जितनी भी जो रैम है वो हमें सीपीयू के अंदर लगा दी गई है, उसको स्क्रैचिंग करके जो उसको निकालना होता है। मान लीजिए अगर एक रैम का प्रॉब्लम आ गया, सपोज किसी डीलर ने या जो मैं बोलूँ कि किसी दुकान वाले ने गलत तरीके से कोई ऐसी एक आईसी लगा दी जिसमें रैम का एसडी रैम के साथ कुछ इस सप्लाई जुड़ी हुई है, अगर उस पर गलती से 1.8 की जगह कुछ और वोल्ट चले गए तो रैम शॉर्ट हो जाएगी। सो उस टाइम पे जो डाटा है जो कस्टमर का, वो मेन होता है और वो फिर निकल नहीं पाता है, तो उस टाइम पे वो जो स्वैपिंग करते हैं लोग, स्वैपिंग करने के लिए फिर रैम निकालो या सीपीयू निकालो, तो फिर वो बन नहीं पाता है उस टाइम पे, या तो रैम चेंज करना आ नहीं पाता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो सीपीयू की क्लासेस है, सिर्फ इसमें ये नहीं बताएंगे कि सिर्फ सीपीयू निकालना लगाना, सिर्फ ये जरूर बताएंगे कि रैम पर सेफली मैटर से कैसे हम निकालें, कैसे हीट को रखें, कितना टेम्परेचर पर रखें, सारी चीजें, कौन कौन से टूल्स हम यूज करें। प्लस इसमें हम 3 out of 5 की गारंटी हम आपको देंगे, जो फिरोज सर आपको बताएंगे। हमारे यहाँ पे जो कोर्स हो रहा है अभी, इसमें आप एक 10 सेट अपने ला सकते हैं, जिसके अंदर हम 3 में आपको स्वाइपिंग बताएंगे, 8 से लेके 12 तक, जिसका सीपीयू और रैम दोनों आपसे, और खास बात यह है कि आपसे ही करवाएंगे उसमें 3 में। बिल्कुल, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के बाद में लाइव बोर्ड हम ही देंगे यहाँ पर, डोनर बोर्ड भी हम देंगे यहाँ पर, और जो कि फीस के अंदर ही है 45,000, जो कि सबसे कम है। जैसे सपोज अगर कोई सिर्फ सीपीयू करना चाहता है तो 15 दिन का कोर्स है जिसमें 10 से 11 घंटे की क्लासेस हैं। और एक बात और खास मैं बता दूं कि यहां पर अगर आप एक बार कोर्स करते हो और कुछ डाउट रहता है या नहीं बन पाता है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी क्या कर सकता है, फिरोज वापस आ सकते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, वापस आप आ सकते हैं हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं मैडम।
सर आईफोन के सिलेबस के बारे में हमें बताइए और इसकी क्या ड्यूरेशन रहेगी, इस बारे में भी बताइए। देखिए आईफोन के जो सिलेबस पे मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि देखिए जैसे मैंने बताया दो कोर्स मैंने बोले, एक हो गया बेसिक टू एडवांस और एक हो गया सीपीयू लेवल। फिर सर बताएं बेसिक टू एडवांस किन लोगों के लिए है, किन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए? सर बेसिक उस स्टूडेंट को करना चाहिए जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो अगर वो डायरेक्ट सीपी लेवल पे जाता है तो वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है। यहाँ पे वो आईसी रिवॉल्व तो कर लेगा या स्वाइपिंग तो कर लेगा, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब वो फॉल्ट ही नहीं फाइंड कर पा रहा है तो वो मोबाइल नहीं बना पाएगा, वो कस्टमर को रिटर्न दे देगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमारा जो पहले वाला कोर्स है, जो कोर्स वन है, वो हर स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए, जिसको चाहे वो ZXW से आपको ढूंढना हो या वूजिंग से आपको ट्रेस करना है, ये नहीं बल्कि हम बहुत सारी चीजें इसमें ट्रिक और टिप्स बताएंगे। हाँ, छोटी छोटी आईसी है, कैसे लगाना है, कैसे निकालना है, क्योंकि सिर्फ पत्रा निकालने में ही लोग सेट डेड कर देते हैं, छोटी आईसी निकालने में डेड कर देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को बेसिक कोर्स करना चाहिए। सर हम यहाँ पर सिर्फ डेड मोबाइल में आपको चार्जिंग आईसी ऑडियो आईसी निकलवाना नहीं बताएंगे, हम चालू मोबाइल में आपको ऑन मोबाइल में जिसमें चार्ज हो रहा है उसकी यूट्यूब निकलवा कर हम ZXW से बताएंगे किस तरह से GR चेक करें, हम वूजिंग से बताएंगे किस तरह से उस पर वोल्टेज चेक करें, कौन सी I2C कौन सी I2S लाइन, कौन सा SD RAM, क्या SDA, क्या SCL, क्या सप्लाइयां होती है। सो ये सारी डिटेलिंग हम आपको बताएंगे किस तरह से चेक करें, इंटरली Layer 1 Layer 2 लेयर्स या Layer 6 या Layer 7 किस तरह से स्क्रैचिंग करें बोर्ड में, स्क्रू होल हम इसमें बताएंगे, हम इसमें बहुत तरह तरह की चीजें आपको, एरर्स हो गया इसमें, जो Error 9 हो गया या Error 413 हो गया, 440 हो गया, 14 एरर हो गया, जो आईफोन पे एरर आता है वो तक हम आपको बताएंगे, और उसमें हम JC Pro का यूज करेंगे, हम आपको JC Pro सिखाएंगे, हम आपको IP से, हम आपको WL से, हम उसको प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे किस तरह से NAND को अपग्रेड करना है, अगर आपका अगर आप 64GB का है, अगर आपको 256 करना है तो अपग्रेड हम आपको बताएंगे, और बहुत सारी चीजें दोस्तों इसमें है, तो मैं आपको इसके साथ में एक पेज में आपको डालूंगा साथ में, और लिंक आपके नीचे रहेगी, आपको लिंक में मिल जाएगा हमारा पूरा कोर्स का डिटेल। बाकी आप जब कॉल करेंगे तो आपको फातिमा मैडम सारी चीजें डिटेलिंग से बताएंगी, बहुत आराम से बताएंगी एक एक चीज। सो एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो कोर्स वन है ये ऐसे स्टूडेंट को देख के रखा गया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कहीं और भी हमने देखा है कि वो जाके कहीं और से आईफोन की ट्रेनिंग लिए हैं और उसके बाद है ना सर बस सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, स्वाइपिंग करते हैं, लेकिन उनको फॉल्ट फाइंडिंग है या फिर ट्रेसिंग है, सप्लाई की नॉलेज है, हाँ डीपी लेवल पे वो नहीं कर पा रहे हैं, ये दो दिन आपको से बता देंगे और वो बोल देंगे कि प्रैक्टिस करो, हाँ, हो जाएगा, क्योंकि स्वाइपिंग तो वो कर रहे हैं लेकिन दूसरे जो कंपोनेंट रिलेटेड है आपको सप्लाई है या फिर ट्रेसिंग है इससे फॉल्ट फाइंड करके वो सेट बना नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी है, एक उनके लिए अच्छा ऑफर है, वो जरूर ज्वाइन करें। मैं खास तौर पे यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो अगर दोनों करना चाहता है तो उसके लिए एक पहले हम 15 दिन आपको देंगे कोर्स वन, फिर बाद में हम दूसरे 15 दिन बुलाएंगे और कोर्स टू देंगे, इसका एक रीजन मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैडम ने पहला सवाल किया था क्या खास है, फिर सर बताइए इसके पीछे क्या कारण है। सर खास ये है कि सर जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट की हमेशा से ये खासियत रही है कि हम स्टूडेंट से ही करवाते हैं, जो भी आईसी रिबॉलिंग है या फिर जो भी फॉल्ट फाइंड हम पहले उनको बताते हैं कि कैसे उनको लेते हैं, हाँ पूरा आप लोग को दिखाते भी हैं, पूरा प्रैक्टिकली कराते हैं, ये सबसे खास बात है, और इसके बारे में सर और भी बताएंगे इसके क्या खास है। मैं आपको बता दूं खास क्या है कि क्या होता है दोस्तों कि आप इंडिया में कितना भी ले लो, 20 दिन का कोर्स, 15 दिन का कोर्स, 25 दिन का कोर्स, 30 दिन का, एक बार में वन टाइम आकर आप सीपीयू भी करना चाहते हो और आप बेसिक भी करना चाहते हो तो ये नहीं हो पाता है, पूरा मिक्स हो जाता है और फिर बाद में स्टूडेंट नहीं कर पाता है और फिर इंस्टीट्यूट का लेवल जीरो करता है कि यार दुकानों में बैठ लो तो ज्यादा अच्छा है। सो मैं आपको बता दूं इसलिए हमने 15 दिन का पहला कोर्स रखा है कि पहला बेसिक टू एडवांस सीख के जाओ पूरा, फिर आपका जो है नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू लेवल पे आओगे तब आपको कोई भी फीस नहीं देनी है और आपको हमारे पास आना है, जबकि हमारे यहाँ रहने का और खाने का सबसे मिनिमम चार्जेस है, मतलब आपको दिन का सिर्फ ₹200 चार्ज लगेगा, अगर बाकियों की तुलना में 500, 800 या 1000 रुपए लगता है आपको यहाँ पे ₹200 चार्ज लगेगा और आपको इंस्टीट्यूट से भी अलावा दूसरी जगह पे कहीं नहीं जाना है। सो आप यहाँ पे आएंगे, आप अपना बेसिक टू एडवांस करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी लगेगा कि आप क्या सीखे हैं, फिर आप उसके बाद आप सीपीयू लेवल करेंगे, अगर आप मिक्सचर कर लेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे दोस्तों। बेसिक करने के बाद सर वो जब जाके काम करेंगे तो उनको फिर लगेगा कि हम किस लेवल तक पहुंचे हैं और उसके बाद कहां अटक रहे हैं, वो वापस से आके उसके बाद से वो क्लियर कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। कोर्स नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं मैडम। सर ये बताइए क्या स्टूडेंट अपने साथ रिपेयरिंग के लिए हैंडसेट ला सकते हैं?
तो ये बहुत अच्छी इन्होंने सवाल किया है। मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ स्पेस को, लोग डरते हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे अपनी लाइफ में कि मैं उनसे बोलता है कि हम स्टूडेंट से 10 मोबाइल मंगवाएंगे तो बोलते थे नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, नहीं तो अगर स्टूडेंट मोबाइल बनाने बैठ जाएगा तो हम उसको सिखा नहीं पाएंगे। सो मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर 10 फॉल्टी मोबाइल आप ला सकते हो अगर आप बेसिक टू एडवांस वाले हो। सो बेसिक टू एडवांस वाले आप फॉल्ट लाए, आप सीपीयू लेवल के हो तो बिल्कुल वो फॉल्ट लाए जिसमें सीपीयू पर हीट लगा हुआ है। तो जिस तरीके से सीपीयू बचा है तो कुछ भी किया जा सकता है, सीपीयू बचा है तो कुछ भी कर सकते हैं, स्वैपिंग आपको सिखा देंगे, कुछ भी फॉल्ट आप लाएंगे, पर ये हम आपको पहले हम खुद ट्रेन करेंगे और उसी मोबाइल पे आपको खड़े होकर और उसी प्रकार हम स्टूडेंट से ही करवाएंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ पहले मैंने यहाँ पे इन्हीं के लाइव बोर्ड में किया, हाँ अब मैं अपने बोर्ड में कर रहा हूँ। सो लोगों को लगेगा कि अलग अलग मोबाइल जो स्टूडेंट लाएंगे तो उससे 100 प्रकार के फॉल्ट मिलेंगे उनको। प्रोफेसर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हमने 10 मोबाइल का लाने को बोला है क्या ये बाकी में इंस्टीट्यूट कर पाते हैं क्या ऐसे अपने साथ? नहीं सर, अगर स्टूडेंट बोलता है कि हम कुछ सेट लेकर आएंगे आपके पास तो क्या आप वो रिपेयर करके बताएंगे? तो दूसरे इंस्टीट्यूट में हो सकता है ऐसा बोल दें कि नहीं मत लाना, हम बस यहाँ पे थ्योरी बताएंगे आपको कैसे करना है लेकिन करके नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप हमारे एशिया टेलीकॉम के चैनल पे ऑलरेडी देखते हैं कि हर 2 दिन में एक वीडियो आता है जहाँ पर स्टूडेंट खुद अपने हाथ से करते हैं। EMMC में तो हम बोलते भी हैं, उनसे उन्हीं से करवाते हैं और हमारा हर महीने में 2 वीडियो ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट का लाइव वीडियो होता है EMMC के अंदर। इसी तरह से आपको आईफोन में भी मिलेगा कि स्टूडेंट अपने हाथ से पूरा, उसमें कुछ कट नहीं किया जाएगा, पूरा स्टूडेंट ही करेगा उसमें भी। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है, थोड़ा सा इसको पूरा सुनिएगा क्योंकि सबसे सारी क्लियरिटी दूर होगी। मैडम नेक्स्ट सवाल क्या है? सर मैं फिरोज सर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो स्वैपिंग है ये तो सभी सिखाते हैं लेकिन जो फॉल्ट फाइंडिंग है इसमें स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इस बारे में कुछ बताइए। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट पे और कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मोबाइल के अंदर, जब एंड्रॉयड में भी देखा है और आईफोन में भी देखा गया है कि जब मोबाइल उनके पास डेड मोबाइल आता है या फिर फुल शॉट या हाफ शॉट या लीकेज कोई भी कंडीशन में आता है तो वो लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनको सप्लाई और ट्रेसिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो लोग स्वाइपिंग तो सीख जाते हैं, ऐसी रिवॉल्व कर लेते हैं या सीपीयू ईएमएमसी निकाल के लगा लेते हैं लेकिन फंस जाते हैं फॉल्ट फाइंडिंग में। मोबाइल के अंदर एक कैपेसिटर या फिर एक रजिस्टर से ही मोबाइल डेड हो सकता है, तो ये उनको प्रॉपर यहाँ पे हम आईफोन के अंदर बताएंगे कि कैसे आपको प्रॉपर आपको सप्लाई, चाहे सप्लाई की नॉलेज हो, चाहे ट्रेसिंग हो, चाहे फॉल्ट फाइंड करना हो, बहुत सारी स्पेशल ट्रिक्स आपको मिलेगी और हमारे जो यहाँ पे ट्रेनर है उनके बारे में भी आगे बताएंगे आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सीपीयू लेवल के अगर आप कोर्स करते हैं, थोड़ा पास आओ तार नीचे, यहाँ पर जो सीपीयू लेवल का आप कोर्स करते हैं कि हम जल्दबाजी में कोर्स आपको नहीं कराना चाहते कि 2 दिन के अंदर सारे सीपीयू सिखाना है फिर 3 दिन के अंदर स्कीमेटिक सिखाना है, ऐसा या पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप एक A8 CPU को, हर बच्चा A10 CPU को एक बार रिवॉल्व करके लगा के चालू ना कर ले एक लाइव मोबाइल में, उसके बाद में वो लेवल बढ़ता है उनका कि उसके बाद फिर उनको दूसरे बोर्ड और तीसरे बोर्ड देने की इच्छा होती है, बिल्कुल। और यही चीज वो 5 दिन 10 दिन और 15 दिन में करेगा और जब वो घर जाके करेगा तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। यही चीज अगर मैं आपको कहूँ कि स्कीमेटिक हो गया, ये फॉल्ट सप्लाई हो गई, इसको भी 5 दिनों में समझाया नहीं जा सकता। ये भी नहीं है कि हम आपको 24 घंटे बिठा दे क्लास में, कई ऐसा देखा गया है कि 12 से ज्यादा अधिक से ज्यादा घंटे दे देते हैं, तो एक कार्य क्षमता की भी एक सीमा होती है जो एक समय सीमा के ऊपर क्या होता है दिमाग से निकलने लगता है चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम नेक्स्ट सवाल क्या है? सर ये बताइए कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को क्या सपोर्ट दिया जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है, इस सवाल का सबसे पहले आंसर मैं फिरोज सर से लूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट क्या मिलेगा और सपोर्ट में क्या रहेगा, बताइए फिरोज सर। सर यहाँ पे आप जब कोर्स करके जाओगे यहाँ पर सपोर्ट के लिए हमने स्पेशली इस पर बहुत सारी चर्चा की है और हमने ये सोचा है कि स्टूडेंट यहाँ पे जब तक कोर्स करता है तो उसका कॉन्फिडेंट लेवल तो बढ़ जाता है लेकिन जाने के बाद कहीं ना कहीं वो जरूर अटकेगा, ऐसा नहीं है कि वो पूरा जाके प्रॉपर काम करेगा, तो जब भी वो अटकेगा तो हमारे यहाँ पर हमने सोचा है कि चाहे टीम व्यूवर हो या व्हाट्सअप हो या फिर हमसे कॉल करके भी, यानी जैसा भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और स्पेशल ये है कि वो वापस दोबारा आ सकता है, एनी टाइम आ सकता है जिसकी हम वापस से उससे फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको समय देंगे, ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कल आ जाए, हम उसको बताएंगे हम उसके समय से भी हम खड़े उतरेंगे और अपने समय पे भी, ताकि हमारे ट्रेनर भी उपलब्ध हो।
और उनको सही चीज मिल जाए। अगर वो चाहता है कि सर मैं पूरा कोर्स फिर से करना चाहता हूँ, तो बिना कोई फीस के वो बिल्कुल वापस आ सकता है। और सपोर्ट इसके ऊपर कोई कुछ दे ही नहीं रहा है, जो आपको यहां मिलेगा बहुत कम फीस में, 245,000 ओनली फीस, 45,000 आपको 75,000 रुपए में, 75,000 रुपए में, 60-65,000 रुपए में आपको 15 दिन 20 दिन 25 दिन पढ़ाया जा रहा होगा। पर आप ये सोचिए कि एक महीने में आप पूरा एक साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे अगर कोई एज अ एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इनके इंस्टीट्यूट में आया हूं और इन्होंने मुझे फीस बताई 55,000, मैं गया 55,000 में जैसे तैसे जोड़ करके लिया, पर बाद में मैं ये पता नहीं कर पाता हूं कि मैं रहने का कितना चार्ज लगेगा, खाने का कितना चार्ज लगेगा, क्योंकि वही चीज 10-15,000 तक पहुंच जाती है। तो फिर उसके बाद में टूल्स पे पता चला, बोर्ड, फिर इतनी चीज वो 90,000 और 1,00,000 तक मामला चला ही जाता है। सो हमने ये फीस इसलिए कम नहीं की है क्योंकि हम नए हैं और हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमने फीस इसलिए कम की है क्योंकि हमारे भी पुराने स्टूडेंट हैं जो हमसे कह के जाते थे कि सर जब भी आप आईफोन चालू करेंगे तो आप ही के पास आएंगे, बहुत सारे हैं अभी भी कमेंट करते हैं। सो हमने इसलिए फीस कम की है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो इनके लिए 45,000 अफोर्ड करना एक इजी हो जाता है, रेदर आपका 60-65,000 अफोर्ड करने के बराबर। इसमें एक चीज ये बोलना चाहूंगा सर मैं कि ये सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ रही है, पहले तो हम क्यों जरूरत पड़ रही है ये बहुत बड़ी सवाल है। हम पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसा स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है और हमारे हिसाब से हमारा इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं जिनको जो कि बिल्कुल फ्रेशर होते हैं या जिसको ज्यादा समझ नहीं आता है, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं कम समय देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम ये रखें कि वापस दोबारा आए और उसकी फीस नेगेटिव ना हो और वो जो फीस पे किए हैं जो कॉन्फिडेंस से आए थे वो उनका जो कॉन्फिडेंस रहे वो बना रहे और वापस दोबारा आए और वो वापस से अच्छे से काम करें। बहुत यूजर फ्रेंडली हम यहाँ का माहौल रखे हैं और जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा जो हमारे ट्रेनर हैं सैयद सर वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छा सॉफ्ट नेचर है उनका जिस आप मिलोगे। सो आप मेरा नाम चेंज कर देना कि अगर आप उनके साथ अपनी फोटो अपने घर पे ना लगाओ तो। सो मैडम नेक्स्ट सवाल क्या बनेगा सर, ट्रेनर के बारे में बताइए, उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस है ये थोड़ा बताइए हमारे स्टूडेंट को। तो ये जैसे कि मैंने ट्रेनर की बात की और मैडम ने ट्रेनर का ही सवाल ले लिया, दोस्तों मैंने आपको बताया हमारे सैयद सर जो हैं वो 15 साल के एक्सपीरियंस है। अब आप कहेंगे सर आईफोन तो 6 साल से, तो जब से आईफोन 3S आया है ना वो तब से आईफोन का 3S से ही आईफोन पे सीपीयू पे काम कर रहे हैं। 4S की बात करें, 5 की बात करें, 5S 5C या हम करें 6 की बात, वो आईफोन XR और यहां तक उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो कार्य क्षमता है, वो प्रणाली सबसे अलग है, वो हमेशा सीखने में बिलीव करते हैं और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैं अपडेट हूं और अपने लोगों को अपडेट करूं। उनके सिखाने का तरीका काफी अच्छा है, काफी फ्रेंडली तरीका है और काफी आसानी से वो समझ में आ जाता है। मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकली, जैसे कई लोग होते हैं जो टेक्निकली चीजों को भूल जाते हैं, जो डायग्राम बता देंगे लिखा देंगे पर आधे स्टूडेंट हाँ करते रह जाते हैं पर दिमाग में पहुंचता नहीं है। बहुत से ऐसे होते हैं जो 4 बार पूछने पे 5 बार पूछेंगे तो डांट देते हैं कि बार बार मत पूछो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है वो। तो उनके साथ आप जब आप सीखेंगे, आपने देखा उनके साथ बहुत सारे मैं काम शेयर करने वाला हूं, मेरे फेसबुक में आप आइए देवधन अग्रवाल मेरा सर्च कीजिए, शेख फिरोज आप सर्च कीजिए, दुर्गेश कुमार सोनी हमारे जो हमारे टीचर हैं उनके आप सर्च कीजिए, मेरे एशिया टेलीकॉम में सर्च कीजिए, देवधन अग्रवाल में सर्च कीजिए, स्मार्ट टेलीकॉम 1 फिरोज, टेक्निकल फिरोज, ये सब यूट्यूब चैनल है हमारे स्मार्ट टेलीकॉम, जो ये यूट्यूब में जाइए लिखिए ये सब सर्च कीजिए और देखिएगा कि आपको बहुत सारे वीडियो और अपडेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। सैयद सर के बारे में ये कहना चाहूंगा, मैं उनसे 1 घंटे के लिए कुछ मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि वो तब से काम कर रहे हैं जब से नोकिया का जो हैंडसेट था जिसमें ब्लैक पेस्टेड आईसी आता था, तो उस लोग उस टाइम पे समझते थे कि वो होती ही नहीं है, निकलती नहीं है, तो उस टाइम पे वो ब्लैक पेस्टेड आईसी रिमूव करते थे, उसके अंदर माइक्रो जम्परिंग हो या फिर नोकिया के अंदर कुछ ऐसे हैंडसेट थे जिसके अंदर से रैम भी अलग से होता था, तो वो उस टाइम पे रैम पे वो काम किए हैं और वो इतने सॉफ्ट नेचर के है बात करने में, बहुत अच्छे है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के, बहुत अच्छा बात करने वाले, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा उनसे सीखने को मिलेगा।
और आप आएंगे विजिट करेंगे। विजिट करने का एक मैं कारण बताना चाहता हूँ आपको कि क्यों एशिया टेलीकॉम को चुने, क्योंकि हमारी फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है, हम सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं, हम आपको एनी टाइम विजिट का मौका दे रहे हैं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं 5 out of 3 शॉपिंग, हम आपको हर तरह की गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ से जाओगे तो आप सीख के ही जाओगे, और निगेटिव होने का हम सवाल ही पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर नहीं सीखे तो हम वापस खुद बुला लेंगे आपको। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आपका ये, आई होप कि आपको इस वीडियो से सब कुछ पता चले, और जो हमारा एक मोटिव था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं रहता है, वो लोग सोचते हैं कि क्या इनकी फीस है, कितनी क्यों रखी इन्होंने इतनी फीस, और क्या इनका स्ट्रक्चर है, क्या क्या हम उसमें सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो मैं बोल नहीं पाया हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। सो वो सारी चीजें आपको नीचे मिल जाएंगी लिंक में, आप जाइएगा तो वन क्लिक में आपको हमारा सारा वॉलपेपर और सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आप कॉल कीजिए 12 और 5 बजे के बीच में। Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.